आवश्यकता है। और मुझे तो कहने में कोई गुरेज नहीं का इस बार अगर हम लोग के साथ अगर नीतीश जी नहीं होते तो बीजेपी जीरो पे आउट हो जाता। बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री संजय पासवान ने अपनी ही पार्टी बीजेपी पर हमला बोला है। संजय पासवान ने कह दिया है कि बिहार में बीजेपी नीतीश कुमार के साथ नहीं लड़ती तो जीरो पर आउट हो जाती। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज, मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। लोकसभा चुनाव 2024 के संपन्न होने के साथ ही केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नई सरकार बन चुकी है। चुनाव में एनडीए को और खासकर बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। 400 पार का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी 240 पर सिमट गई। जेडीयू के 12 सांसदों का समर्थन सरकार बनाने के लिए अनिवार्य हो गया। चुनावी नतीजे की समीक्षा का दौर अभी भी जारी है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी 17 से 12 सीटों पर आ गई और 40 की 40 का दावा करने वाली भाजपा को 5 सीटों का नुकसान हुआ। चुनावी परिणाम लेकर भाजपा के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजय पासवान का बड़ा बयान सामने आया है। एक प्रकार से उन्होंने अपनी पार्टी को हैसियत दिखाने का काम किया है। दरअसल पटना में स्वामी सहजानंद सरस्वती के पुण्यतिथि के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में संजय पासवान ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर नीतीश कुमार साथ नहीं होते तो भारतीय जनता पार्टी बिहार में जीरो पर आउट हो जाती। समारोह को संबोधित करते हुए खुले मंच से राजनीतिक भूचाल पैदा करने वाला बयान पूर्व केंद्रीय मंत्री ने दिया। उन्होंने कहा, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि अगर नीतीश जी साथ नहीं होते तो बीजेपी जीरो पर आउट हो जाती। ये कहने में थोड़ा अटपटा लगता है लेकिन सच्चाई यही है। इन दिनों बिहार में ताकत का ध्रुवीकरण हुआ है। राज्य में एक ताकत तेजस्वी के साथ गया है तो दूसरी ताकत समूह के नेता नीतीश कुमार बन गए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जातियों का जुटान हो रहा है। उधर प्रशांत किशोर की ताकत के रूप में गुप्त रूप से बढ़ रही है। उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि हम लोगों से कोई मिलने आता है, पूछते हैं कि क्या कर रहे हैं तो बताता है कि प्रशांत किशोर के साथ चले गए हैं। जो लोग हमारे साथ भाजपा में और जदयू में थे वे प्रशांत किशोर के साथ जा रहे हैं। आप भी सुनिए संजय पासवान ने क्या कुछ कहा है। 5000 लोग करें, मुझे लगता है कि राजनीतिक तौर से बिल्कुल इस बात की आवश्यकता है। और मुझे तो कहने में कोई गुरेज नहीं का इस बार अगर हम लोग के साथ अगर नीतीश जी नहीं होते तो बीजेपी जीरो पे आउट हो जाता। ये कहने में थोड़ा भी लगता है लेकिन मुझे लगता है कि जिस ढंग से ताकत का ध्रुवीकरण निश्चित तौर से इन दिनों जो हुआ है इस राज्य में एक ताकत तो गया है साथ में तेजस्वी के, एक ताकत का समूह बन गया नीतीश कुमार, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि जातियों का जुटान हो रहा है और एक बहुत गुप्त रूप से एक ताकत बढ़ रही है जो प्रशांत किशोर का ताकत है। प्रशांत किशोर जी का जिस ढंग से ताकत बढ़ रहा है मित्रों, आपको अंदाज नहीं होगा। आप लोग हम लोगों से जो महीने तो मेरे पास कोई दोस्त मिलने आ रहा है तो कहता है कि हम तो आज तो क्या कर रहे हो पार्टी में, क्या चिबाड़ी थी, कह रहा है कि पार्टी में जीवारी क्या हम टीके के साथ हो गए हैं। ये हम लोग लोग बोल रहे हैं जो साथे हम लोग भाजपा में रहे जदयू में रहे, कह रहे कि सब वहां साथे हो गए। मैं इसलिए पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूं मित्रों कि हम लोग मुद्दा पॉलिटिकल लोग हैं और सवाल नहीं जवाब है। जो आप खोज रहे हैं जो चीजों का चीज, हमें सम्मान चाहिए, समृद्धि चाहिए, भागीदारी चाहिए, हिस्सेदारी चाहिए, ये पॉलिटिक्स क्यों संभव है क्योंकि ये युग जो है ये राज युग है। राज्य युग में और हम लोग राजनीति के क्षेत्र के लोग हैं क्योंकि आप मान लेंगे सब जो महाराष्ट्र गुजरात है ये सामाजिक क्षेत्र का इलाका है, राजनीतिक क्षेत्र का इलाका तो बिहार यूपी और बंगाल और पाकिस्तान। इसलिए मुझे लगता है कि राजनीतिक हस्तक्षेप किए बिना सामाजिक बदलाव बिहार जैसे राज्य में नहीं होने वाला है। और हम सब जानते हैं कि आपको बता दें कि संजय पासवान ने कहा कि महाराष्ट्र और गुजरात सामाजिक क्षेत्र का इलाका है लेकिन बिहार यूपी और बंगाल राजनीतिक क्षेत्र का इलाका है। बिहार जैसे राज्य में राजनीतिक हस्तक्षेप किए बिना सामाजिक बदलाव नहीं लाया जा सकता है। अगर आप लोग सम्मान, समृद्धि और भागीदारी, हिस्सेदारी जैसी चीजों की बात कर रहे हैं, इसके लिए राजनीतिक रूप से भी जागरूक, सजग और संगठित होना पड़ेगा। इसके लिए गहन चिंतन करना पड़ेगा। हालांकि संजय पासवान के इस बयान पर बिहार बीजेपी प्रभारी से जब मीडिया ने सवाल किया तो वो कुछ भी नहीं बोले। तो विनोद तावड़े को देखिए क्या कुछ कह रहे हैं।
बड़ा सवाल सर उठा दिया है बिहार विधान पार्षद संजय पासवान जी ने, बीजेपी अगर बताते चले कि डॉक्टर संजय पासवान पूर्व केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री हैं, वे नवादा के पूर्व सांसद भी रह चुके हैं और फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। उनका यह बयान राजनीतिक रूप से बहुत बड़ा है, बीजेपी के विरोधी इसे हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। संजय पासवान बुधवार को पटना में स्वामी सहजानंद सरस्वती की पुण्यतिथि के मौके पर हुए एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। पुण्यतिथि कार्यक्रम में जहानाबाद से पूर्व सांसद अरुण कुमार भी शामिल हुए थे, वो भूमिहार जाति से आते हैं। संजय पासवान ने उनकी ओर इशारा करते हुए कहा कि अरुण कुमार जी ने अपनी ताकत दिखाई और इनकी ताकत जहानाबाद में दिखी भी। ये अपने समाज को संगठित करते रहे हैं जिसका असर जहानाबाद में देखने को मिला है। तो संजय पासवान के इस बयान से पता चल रहा है कि बीजेपी में भी टूट होने की आशंका लग रही है। संजय पासवान ने ऐसा बयान दिया कि अगर नीतीश कुमार के साथ भाजपा नहीं जाती इस चुनाव में तो बिहार में भाजपा जीरो पर आउट हो जाती। अब इस पर देखना है कि नेता प्रतिपक्ष और विपक्षी पार्टियां जो है क्या प्रतिक्रिया देती हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है, दर्श न्यूज के साथ बने रहें और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो जरूर कर लें। धन्यवाद।